हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम नीट टर्म के बारे में पढ़ रहे थे और इससे पहले हमने नीट टर्म के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा, उसके बाद में उसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, स्टेम और रूट के बारे में। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लीफ मॉर्फोलॉजी एज वेल एज एनाटॉमी ऑफ नीट टर्म। अगर लीव्स की हम बात करें इसमें नीटम में, देन इट इज़ रिसेम्बल टू डाइकोट लीफ की तरह ये होती है। और इसमें जो दो प्रकार की लीव्स पाई जाती है, फॉलियज लीफ और स्केली लीव्स इसमें पाई जाती है। ड्वार्फ फ्रूट जो होता है उसमें 9 से 10 फॉलियज लीफ होती है, और जो कि अपोजिट डी कसेट मैनर में अरेंज रहती है। लीव्स लार्ज होती है, सिंपल, हैविंग ओवल शेप्ड ब्रॉड कोरियस लेमिना विथ यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट पेनेशन इनमें पाया जाता है। रेटिकुलेट पेनेशन इनमें पाया जाता है। इसके अलावा जो लीव्स है वो एक्स स्टिपुलेटेड होती है, शॉर्टली पेटुलेट होती है विथ एंटायर मार्जिन। द लीफ ऑफ नीटम रिसेम्बल ए डाइकोट लीफ। इसके अलावा जो लीफ है उसकी दोनों साइड में स्टोमेटा जिसमें पाए जाते हैं, एक्सेप्ट वेन को छोड़ करके। और अगर इसके इंटरनल एनाटॉमी की हम बात करें इसमें लीफ की, इससे पहले आप लीफ का एक स्ट्रक्चर यू कैन बी बता लीफ स्ट्रक्चर। ये दिस इज़ द लीफ जिसमें आपको तो डोर्सीवेंट्रल लीफ नज़र आ रही है, बीच में मिडरिब रीजन्स हैं, देन बेनलेट्स हैं, और ये डाइकोटोमसली ब्रांच जिसकी वेंस पाई जाती है, बीच में थिक में वेंस इसमें पाई जाती है। तो इट इज़ रिसेम्बल टू डाइकोट लीव। एनाटोमिकली अगर हम इसकी बात करें तो द लीव सिनिटम रिसेम्बल टू डोर्सी वेंट्रल डाइकोट लीव की तरह होती है। और अपर जो एपिडर्मिस होती है इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें बीच ये मिडरिब रीजन से बीच का ये दिस इज द ये इसका ये मिडरिब रीजन्स हैं, और इस दिस इज द मिडरिब रीजन, ये मिडरिब रीजन्स हैं, और इसका ये इनलार्ज नीचे करके, इनलार्ज पार्ट करके हमने इसको ये दर्शा रखा है। ओके, तो इसमें जो दोनों अपर और लोअर एपिडर्मिस होती है, और इसमें थिक क्यूटिकल्स इसमें पाई जाती है। इसके अलावा जो मीजोफिल्स जो होती है वो डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड और स्पंजी पेरेन्काइमा इनमें डिवाइड रहती है। पैलिसेड सेल्स से वो सिंगल लेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इलोंगेटेड सेल्स होती है। ये दिस इज द स्पंजी पेरेन्काइमा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल साइड में तो आपको स्पंजी पेरेन्काइमा की लेयर इसमें दिखाई देती है। स्पंजी पेरेन्काइमा पैलिसेड टिश्यूज के बाद में स्पंजी पेरेन्काइमा जो लूजली अरेंज लॉब्ड सेल से कनेक्टेड रहती है। इसके बाद में जो वैस्कुलर, इसके अलावा कुछ स्पाइकुलर सेल्स या स्क्लेरोटिक सेल्स या लेटेक्स ट्यूब्स और फाइबर्स आल्सो प्रेजेंट। वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो एक मिडिल रीजन्स में अरेंज रहते हैं कर्व ब्रेकर के, बहुत सारे वैस्कुलर बंडल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो प्रत्येक जो वैस्कुलर बंडल है ये कंजोइंट, कोलेट्रल और एंडार्क प्रकार के हैं, और इनमें एक एडेक्सियल जाइलम और एबैक्सियल फ्लोएम इसमें मिलता है। देर आर डिस्टिंक्ट पैचेज ऑफ स्टोन सेल्स आउटसाइड द फ्लोएम के आउटसाइड में, इसमें कुछ स्टोन सेल्स भी इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो जाइलम है उसमें बेसल्स या ट्रैकेट्स जाइलम पेरेन्काइमा इसमें होती है। जो फ्लोएम है उसमें सीव सेल्स एवं फ्लोएम पेरेन्काइमा होती है। इसके अलावा जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज हैं इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पेट्रियोल इन एसोसिएशन विद वैस्कुलर बंडल। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि
नीटम में सिंडेटोचिलिक प्रकार के स्टोमेटा पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दो प्रकार के स्टोमेटाज पाए जाते हैं, सिंडेटोचिलिक और हैप्लोचिलिक। सिंडेटोचिलिक दैट मीन्स बोथ गार्ड सेल्स एंड सब्सिडियरी सेल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए कॉमन मदर सेल्स। इफ गार्ड सेल्स एंड सब्सिडियरी सेल्स आर ओरिजिनेटेड और डेवलप्ड फ्रॉम अ डिफरेंट सेल्स देन इट इज़ नोन एज हैप्लोचिलिक। तो कुछ जैसे कुछ साइंटिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल टेकेडा और फ्लोरिन इनको सिंडेटोचिलिक मानते हैं, जबकि महेश्वरी वेसल्स इनको उन्होंने इसको हैप्लोचिलिक प्रकार के स्टोमेटा माना है। नाउ कम टू साइकस रिप्रोडक्शन। तो साइकस का जो रिप्रोडक्शन है, साइकस की रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, देन साइकस के रिप्रोडक्शन में एक तो नीटम की जो स्पीसीज है डाइसिस होती है, दूसरा है कोन या स्ट्रोबलाइस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में पाई जाती है। जो कॉन्स तो कॉम्पैक्टली कॉन्स नहीं होते हैं, बल्कि एक हम इसको इनफ्लोरेसेंस कह सकते हैं, जिसमें मेल और फीमेल स्ट्रोबलाई होते हैं और इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम इसको आप कह सकते हैं। इन्फ्लोरेसेंस एक्सिलरी हो सकते हैं और टर्मिनल इन पोजीशन में हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं या ग्रुप में हो सकते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो कंपाउंड दो कॉनेक्ट ब्रेड जिन्हें अपोजिट डी कसेट में वो कहते हैं, आप ग्राफ देखेंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में। जी दिस इज एन आइटम, ये मेल इन्फ्लोरेसेंस, ये कॉनेक्ट ब्रेड हैं। तो ये इनमें मेल और फीमेल, दिस इज द मेल, दिस इज मेल इन्फ्लोरेसेंस हैं। और इस मेल इन्फ्लोरेसेंस में आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली, इसमें देखो एक तो बहुत सारे एक तो ग्रुप में ये लगते हैं, देन उसके बाद में सक्सेसफुली एक ब्रैक्ट है, दूसरा ब्रैक्ट है, तीसरे ब्रैक्ट्स हैं। तो एक वर्ल ऑफ ब्रैक्ट्स की पाई जाती है और ये एक दूसरे के ऊपर एक्रोपरेटल सक्सेसन में लगे हुए रहते हैं। और इसमें जो ये वाइट वाइट आपको दिख रहे हैं, ये एंथर्स हैं जिनके अंतर एंथ्री, ये पूरा पार्ट जो मेल फ्लोवर है ये सफ़ेद सफ़ेद जो निकल रहे हैं, और इसमें ये एक स्ट्रोक होगा और ऊपर जा कर के इसमें दो एंथर, ये एंथर्स इसमें लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो कॉर्नेट ब्रैक्ट जिसे बोलते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं। जैसे ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस हैं, वो ये मेल इन्फ्लोरेसेंस था, ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस हैं। अब इनकी अंदर की एनाटॉमी की हम बात करते हैं इसमें, तो उससे पहले तो इनको एक कप लाइक स्ट्रक्चर, ये कॉनेट ब्रैक्ट जो होते हैं वो एक कप लाइक ब्रैक्ट बनाते हैं, जिसे क्यूपल्स कहते हैं या कॉलर कहते हैं, दैट आर सुपर पोस्ट वन अबोव द अदर। ये एक दूसरे के ऊपर लगे हुए रहते हैं और इसके अंदर या तो मेल ओव्यूल्स लगेगा या मेल फ्लोवरिस इसमें लगते हैं। और द स्ट्रोबलाई बिकम कॉम्पैक्ट एट यंग स्टेज बिकम द सेपरेशन ऑफ द इंटरनोड। और ये जो इन्फ्लोरेसेंस हैं ये नोड इंटरनोड में डिवाइड रहते हैं। इंटरनोड जब अर्ली स्टेज होती है तब एक दूसरे से बहुत कॉम्पैक्ट रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसकी मैच्योरिटी होती जाती है तो उसके इंटरनोड वाला जो रीजन है वो बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि ये जो कप लाइक जो स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे से सेपरेट होनी चालू हो जाती है। तो इसे अलग अलग फिर ये कॉलर हमें नज़र आने लग जाती है। तो उसमें इस कॉलर के चारों तरफ देर आर मैनी रिंग्स ऑफ फ्लावर इन एक्साइल ऑफ फ्लावर, और द कॉलर्स आर डेवलप्ड इन एक्रोपिटल सेक्शन, फ्लोर आर इनिशिएटेड माउंट ऑफ मेरिस्टमेटिक सेल्स फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द कॉलर। मतलब इसके कॉलर के ऊपर ही हिस्से में अगर हम बात करेंगे तो ऊपरी हिस्से में सबसे यंग फ्लोर होंगे और नीचे नीचे होंगे वो मैच्योर फ्लोवर इसमें होंगे। ओके वी विल डिस्कस अबाउट द मेल फ्लोवर और फीमेल फ्लोवर इन ग्रेटर डिटेल, बिकॉज नीटम के जो मेल और फीमेल जो स्ट्रोबुलस है अंदर जो दूसरे जो जिम्नोसोम्स हैं उनसे काफ़ी
डिफरेंट है, तो बहुत सारी ये सिमिलरिटी हैं जो स्पर्म के साथ दर्शाते हैं, बहुत सारी ये सिमिलरिटी जिम्नोस्पर्म के साथ में दर्शाते हैं। तो हमें यहाँ पर जितने भी हो सकता है उन सबको हमें नोट करके रखना है, जितना भी हो सकता है कि कौन कौन सी जिम्नोस्पर्म के साथ सिमिलरिटी पाई जाती है और कौन कौन से एंजियोस्पर्म के साथ में सिमिलरिटी पाई जाती है।